अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज का सीन कुछ ये है कि कल रात में हम लोग गए हुए थे दावत में, शहरी में गए हुए थे कज़न के यहाँ। तो वहाँ पे वीडियो बनाना, मतलब उनके पर्दा करते हैं वे लोग, तो वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया अपनी शहरी का। तो आप मैं अपने घर पर आ गई हूँ, वहाँ पर अफसारी का व्लॉग मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा। बाकी ईद में होते 3 दिन, ईद के बाद तो आप इंशाल्लाह मेरे 100 करा दिया ड्राइवर, ये टारगेट है मेरा कि आपने 100 करा दिया। बाकी देखते हैं इफ्तारी की मंडी आ जाए। वालेकुम, आज इफ्तारी में थोड़ा चेंज है क्योंकि काम बहुत था। अभी हमने शीफ में की तैयारी कर ली क्योंकि अभी हमें जाना है, हमारी आंटी एतिकाफ में बैठी हैं, खाना हमारा ये तैयारी रेडी हमने कर ली है और इफ्तार के लिए आएंगे। देखें इसमें चूड़ियाँ, दूध, फेनी और ये सब ये बन दिए हैं। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तैयार क्यों हुई हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों तैयार हो गया हूँ। असल में अफ्तार के करने के बाद हम लोग चले गए थे, हमारे मतलब कोई रिश्तेदार ही हैं तो वो उठे हैं एहतिकाफ में से अभी, ठीक है। वहाँ पे मतलब एहतिकाफ में बुरा लग रहा था कि मैं वीडियो ब्लॉग बनाऊँ, तो उसके बाद मैंने कहा यार ब्लॉग इतना सा बनाया है, मैं क्या अपलोड करूँ यूट्यूब पर, मतलब चैनल पर अपने। मैंने बोला यार अब नमाज़ पढ़ने जाऊँगा ईद की और फजर के खाने जाऊँगा, तो वो भी मतलब बना लूँगा ब्लॉग में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जाते हैं नमाज़ पढ़ने और आज इंशाल्लाह मस्जिद में बनाऊँगा ब्लॉग, मस्जिद में बनाऊँगा, सब के बनाऊँगा लेकिन बनाऊँगा आज। अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की, सही है, ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर आप आते हैं वापस, फिर बात करते हैं यहाँ पर दोबारा आके। अभी टाइम है नमाज़ में, तो अभी हम छूट भी कराएँगे, मतलब 200 आएंगे ना मेरे तैयार व्यार होकर, छूट भी कराएँगे। अभी टाइम है नमाज़ में, मतलब तुम थोड़ा नाश्ता अच्छा करेंगे, हमारे बनाएंगे पूरियाँ वूरियाँ बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाया बना जाए। तो भाई नाश्ते के लिए हमारी अम्मा आटा गूंद रही है, मतलब अभी बना रही है रोटी, पूरियाँ बना रही हैं, वहाँ पे तेल गरम हो रहा है और तरकारी छोड़ूंगी। रेडी हो चुकी है हमारी पूरी और सालन, और हम देख रहे हैं माँ सफदर को खाना खा रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो भाई ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग हर साल जाते हैं नानी की कब्र, मतलब कब्रिस्तान जाते हैं नानी की कब्र पे ना, तो अभी हम वहाँ जा रहे थे, मैंने शॉर्ट्स ले लिए, मतलब रोड की ऐसी